अहमदाबाद के थाना कटगढ़ क्षेत्र में काशीपुर तेराहा चौकी क्षेत्र निवासी भैसिया गांव कॉलोनी राजाराम पुत्र कैलाश दिनेश दोनों भाइयों के घर चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ फेर दिया। राजाराम के दोनों पुत्र अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे। रात्रि 1-2 बजे के बीच चोरों के गैंग ने खिड़की का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए और घर में रखी चीज जेवर नकदी उड़ा ले गए। जब दिनेश पानी पीने के लिए नीचे आया तो उसने देखा एक चोर घर के अंदर चादर लपेटे था। उसने सोचा मेरा भाई खड़ा है, मैं घर के अंदर पानी पीने गया। घर में सामान फैला था, अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, मैं कुछ समझ पाता। चोर वारदात को अंजाम देकर भाग गए। दिनेश ने शोर मचाया, आसपास के लोग एकत्रित हो गए और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। दिनेश ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर काशीपुर तेराहा चौकी प्रभारी ओम शुक्ला मौके पर पहुंचे। छानबीन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। दिनेश ने पुलिस को तहरीर दी है। दिनेश ने बताया कि मेरे भाई की शादी नवंबर में तय हुई थी। उसकी शादी के लिए हमने कुछ पैसा व चीज जेवर जोड़ कर रखा था, जिसमें 2 जोड़ी कुंडल, सोने का ताबीज, गले की चेन, 1 लाख रुपए कैश आदि सामान तथा दूसरे भाई दिनेश का 1 लाख के आसपास नगद व गुल्लक में जमा पूंजी आदि उड़ा ले गए। और आपका? राजाराम। अच्छा, ये आपके घर की बात है? ये कौन सी जगह है? ग्राम भैंसिया। ग्राम भैंसिया। तो ये किस समय की बात है जो आपके यहाँ पे ये घटना हुई है? किस क्या टाइम था वो? समथिंग 1 से 2 के बीच की बात है। अच्छा, ये अब ये घटना हुई थी तो आप सब लोग कहाँ थे? हम सब लोग छत पर सो रहे थे। अच्छा, नीचे कोई नहीं था? नीचे कोई नहीं। तो आप लोगों को पता कहीं चला कि ये घटना होने वाली है? समथिंग मैं मंडी आता हूँ 3 बजे के आसपास, मेरी आँख खुल गई 2 बजे से पहले, तो मैंने सोचा बन की चलो अभी काफी समय 1 घंटा लेट भी जाऊँगा, तो मैंने सोचा इतने नीचे हो जाऊँ मैं एक नंबर करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आधे जीने तक आया तो एक बंदा आया था निकल कर कमरे में से, तो वो 100 लोड़ हुआ था, तो मैंने सोचा मेरा छोटा भाई होगा ये साइड के साथ निकले उठा होगा, लेकिन उसके बाद एक और आया निकल के, तब मैंने शोर मचाया उनकी तो चोर है, तो मैंने चोर चोर के भाई लगाई। तो जब शोर आपने मचाया तो शोर के बाद सुन के आपने मतलब फैमिली को इकट्ठा किया या मोहल्ले वालों को? फैमिली भी आ गई और पुलिस भी सब आ गए। अच्छा, इस घटना की सूचना आपने पुलिस को दी? 112 नंबर पे कॉल करती थी, वो भी आ गई थी और लेपट वाली भी आ गई थी। तो फिर उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने जांच पड़ताल करी, जो भी इधर एक से कम से एक डेढ़ घंटा यहाँ पर आए थे, उसके बाद बोले आप सुबह आया ना आपके तहरीर लिख देंगे। अच्छा, जो घटना यहाँ पर हुई है आपकी कितने लाख की तक की चोरी हुई है? समथिंग 2.5 लाख के आसपास। क्या क्या सामान गया आपके से? 90,000 मेरा कैश गया, 20,000 हमारे दादी के रखे थे वो गए, बाकी हमारे भाई का गया और कुंडल गए हैं और एक दादी की होती है, यहाँ को जो पहनते कहते हैं ताबीज गई है, ताबीज पहनते हैं, कंठी गई है और कुंडल गए और बाकी चांदी की जोड़ी कुंडल है मेरे। आपका क्या क्या गए हैं? नकदी गई है 50,000 की, बच्चा हो जाए बच्चे। आपका मतलब आप कहाँ थे जब इस टाइम ये हुई था? मैं ऊपर सो रहा था। आप ऊपर सो रहे थे तो आपका क्या क्या गया था? आपका घर में से क्या गया? बड़े लड़के हैं,